दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो जो है DJI का मेविक एयर 2 के बारे में है कि इस एयर 2 कैमरे के साथ में हमें क्या क्या एसेसरीज मिलती है और इसको हम अनबॉक्सिंग करके देख लेंगे कि किस तरह से हमें इसमें एसेसरीज जो है कंपनी ने हमें प्रोवाइड की है। क्योंकि कई बार ऐसा दोस्तों के साथ में होता है जो कि भाई नया ड्रोन खरीद लेते हैं और उसमें प्रॉपर एसेसरीज नहीं निकल पाती, तो उसके लिए मैं आपको एक सबसे पहले गाइड कर देता हूँ कि जब भी आप ड्रोन खरीदें तो इसके बैक साइड में जो है आपको इनसाइड बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है वो सारी चीज़ें लिखी होती है। जैसे कि इसमें लिखी हुई हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 चीज़ें इसके अंदर से हमें निकलना है, जिसके फोटो हमें इसमें दिए हैं और इसके साथ में नाम भी लिखा हुआ है। तो हम अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं हमें ये सारी चीज़ें इनसाइड मिलती है नहीं मिलती है। क्योंकि ये मैंने ओपन तो कर लिया था जहाँ से हमने कैमरा खरीदा था, जहाँ भी ऐसे अब आप खरीदते हैं बॉक्स पैक चीज़ तो एक बार ओपन करके वहीं पर चेक कर लीजिए। और चेक करने के साथ साथ क्योंकि जो हमारे डीलर होते हैं हमें कैमरा प्रोवाइड करते हैं जो या फिर हमें ड्रोन भी प्रोवाइड करते हैं तो उनको भी नहीं पता होती कि इसके साथ में क्या क्या मिलता है। तो आपको अच्छे से मैंने बताया कि पीछे जो लिखा हुआ है कि इन बॉक्स के अंदर में क्या क्या आता है, इन सारी चीज़ों को आप अंदर एनालाइज कीजिए। मैं भी आपके साथ में इसको खोल लेता हूँ। मैंने वहाँ पर खोल कर चेक कर लिया था, लेकिन मैं वैसा वैसा पैक करके ले आया हूँ और आपके साथ में शेयर करता हूँ कि इसके साथ में क्या क्या है। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के साथ में हम देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है। प्लास्टिक का पन्नी, इसको आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। बॉक्स है, बैग है, बैग के साथ में एक ही है, इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों को ओपन करके देख लेते हैं। ओपन किया, ओपन करने के साथ साथ हमें ड्रोन मिल गया। ड्रोन को हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद एक ये है, एक ये है और एक ये रिमोट है। इसके अलावा बैग में कुछ नहीं है, बैग को साइड में कर देते हैं। सारी चीज़ों को ओपन करके हम देख लेते हैं। ये हमारा रिमोट, रिमोट के बाद हमारा है ड्रोन। ड्रोन को इस तरीके से दो स्लाइड करेंगे और दो को अप डाउन करेंगे तब ड्रोन ओपन हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4 नंबर बैटरी, एक और बैटरी, एक बैटरी इसके साथ में लगा हुआ है, दो बैटरी और ये है। पावर केबल, एडाप्टर, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। इस बॉक्स को साइड में कर देते हैं। उसके बाद एक बॉक्स और ये है, इसको ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या मिलता है। गाइड करने के लिए इसमें डायरीज वगैरह है और दो पॉपुलर के बैग हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। गाइडेंस के लिए आप इन डायरी को पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी आपको जानकारी मिलेगी इसमें से। इसके बाद हम इसको सारे को चेक कर लेते हैं, ओके। बॉक्स पे जो हमने देखा था कि हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है उस बॉक्स पे हम ट्राई करेंगे और समझेंगे कि भैया बराबर चीज़ है या नहीं। सबसे पहले बैग हमारे सामने आ गया है। उसके बाद हमारा एयरक्राफ्ट मतलब ड्रोन आ गया है। ड्रोन के बाद रिमोट ये है आ गया है। इसके बाद RC केबल इंटू थ्री का मतलब है एक केबल। और कहाँ है सामान इसमें, और इसमें कुछ रह गया है शायद, नहीं इसमें कुछ नहीं रहा है। RC केबल ढूंढना ज़रूरी है, ड्रोन में नहीं मिली है तो कहाँ मिलेगी हमें। इसमें पॉकेट में आया है बैग के साथ में, तो RC केबल यहाँ से ट्राई कर लेंगे। तो RC केबल 3 उन्होंने बोला है, RC केबल 3 यस। इसमें और भी बहुत सामान मिले हैं, 1, 2 और 3, तीन केबल हो गए, RC केबल 3 ओके। इसके बाद में क्या है, फ्लैट बैटरी इंटू थ्री, बैटरी 1, 2 और 3 जो ड्रोन के साथ में लगी हुई है, तीन बैटरी हो गई है ओके। इसके बाद हमारा पावर अडाप्टर ओके। AC पावर केबल ओके। इसके बाद चार्जिंग हब भी हमें मिला है जो तीन बैटरी एक साथ चार्ज कर देता है हमारा ड्रोन। इसको देख लेते हैं हम, तीन बैटरी किस तरह से एक साथ चार्ज करेगा ये। हाँ, तीन बैटरी के साथ में हमें मिल रहा है, जिसमें हम इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे इसके साथ में, तो एक के बाद एक बैटरी तीन बैटरी एक साथ चार्ज कर लगा के हम आराम से तीनों बैटरी को एक साथ चार्ज कर सकते हैं, जिसमें हमें बार बार रिमूव और अटैच नहीं करना पड़ेगा ओके। इसके बाद हमें क्या मिला है, इसके बाद बैटरी टू पावर बैक एडाप्टर कौन सा मिला है, एक और ये पावर एडाप्टर, ये किस काम में आता है हमारे। अच्छा, ये हमारे इसलिए है कि हम बैटरी से पावर ले सकते हैं। जैसे कि इस बैटरी को हम पुश करके निकाल के देख लेते हैं,
बैटरी से, बैटरी के अंदर अगर हम इसको लगाते हैं, अटैच करते हैं कुछ इस तरह से, थोड़ा समझ के लगाना पड़ेगा, कभी हमसे गलत से लग जाए। इस तरह से हम इसको लगा, इस तरह से, वन मिनट। यूएसबी केबल जो हमारे साथ में आया, उस यूएसबी केबल को यहाँ लगाकर हम इसके साथ में अटैच कर कर हमारे मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर हम रिमोट से भी इसको एक दूसरे से चार्ज कर सकते हैं। तो ये केबल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हब भी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारा इसके साथ में मिला है। ओके, इसके बाद में एनडी फिल्टर के सेट भी हमको इसमें मिले हैं। एनडी फिल्टर का सेट कौन सा है? ये है एनडी फिल्टर का सेट हमारा। यदि आप ज़्यादा लाइट में काम करते हैं, ज़्यादा धूप में काम करते हैं और आपको वीडियो अच्छा प्रॉपर नहीं दिख पाता है, या इसका ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, या फिर आपका सब्जेक्ट डार्क हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप एनडी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। इसमें तीन तरह के एनडी फिल्टर दिए हैं जो आप आपके ड्रोन के कैमरा के सामने लगा कर यूज़ कर सकते हैं। इस ड्रोन के कैमरा को भी मैं ओपन करके बता देता हूँ आपको। यहाँ से आपको पुश करना है, इसकी सील को आपको हटाना पड़ेगा, ये सील को हटा के पूरा रिमूव करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है काम करेगा। इसको रिमूव करके आप साइड में कहीं पर रख दीजिए, ये बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ से आपको इसको ड्रोन कैमरा को रिमूव कर सकते हो, और यहाँ आप इसमें एनडी फिल्टर अटैच कर सकते हो, और यहाँ एनडी फिल्टर यूज़ कर सकते हो। यहाँ एनडी फिल्टर लगाने से आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी डे लाइट में। आप इसका एनडी फिल्टर का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी मिल पाएगी। इसके बाद हमें मिलता है एनडी फिल्टर के बाद यूएसबी केबल। यस, ये है यूएसबी केबल जो हमने बताया था कि भैया इसके साथ में हम अटैच कर सकते हैं हमारे एडाप्टर के साथ में। एडाप्टर में हमें यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, जो यूएसबी पोर्ट में लगाकर हम मोबाइल चार्जिंग भी कर सकते हैं हमारे इसके थ्रू, और हमारे ड्रोन को, रिमोट को भी चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें क्या मिला है? कंट्रोलर स्टिक, ये जो हमें रिमोट के जॉयस्टिक होते हैं यहाँ पर लगाकर हमें काम करना, एक तो हमें हमारे रिमोट के साथ में यहाँ से मिल जाते हैं, जो निकाल कर हम इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं इसको लगाकर कुछ इस तरीके से, और एक और हमें जो है इसके साथ में एक्स्ट्रा मिले, इसके लिए भी हमें गाइड कर दिया कि इनटू टू लिखा हुआ है, मतलब दो सेट आपको मिलेंगे, एक तो रिमोट के साथ में मिल गया है और एक आपको अंदर इनबिल्ड मिल गया। इसके बाद है आपके पास मैनुअल्स लिखा हुआ है। मैनुअल्स का मतलब होता है वही डायरीज हमारी जो इसके साथ में आई है, डायरी दो तीन चार तरह की। इसको आप अगर मैनुअल तरीके से पढ़ेंगे तो आप ड्रोन को अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं और उसके फंक्शन को भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो सारी एसेसरीज हमें जो जितनी बॉक्स में लिखी थी वो सारी एसेसरीज हमें ड्रोन के साथ में मिल गई हैं। अब इसको मैं अच्छे से जमा कर आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या मिला है। इसके बाद हमें जो है ड्रोन को असेंबल करने का तरीका जो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। पॉपुलर को हम देखेंगे तो इसमें हमें सेट मिलता है ए और बी, तो हमें दो चाहिएगी इसमें पॉपुलर ए, और दो पॉपुलर चाहिएगी हमें बी, जो हमें अलग अलग डायरेक्शन में लगाना है हमारे ड्रोन के साथ में। तो इसमें जो है ये मोटर की सेफ्टी के लिए जो है हमें कुछ ग्रिड लगा के दिया है इसके साथ में, रबड़ टाइप के हैं, तो इनको निकाल के आप साइड में रख दीजिए ताकि आपको भविष्य में कभी फिर पैक करना हो तो आपको काम में आएंगे। फिलहाल हम इसको असेंबल कर लेते हैं निकाल कर। 6 पॉपुलर मिले हैं हमें ए सेट के, तो हमें इसमें से दो निकाल लेना है। 4 मोटर का हमारा ड्रोन है तो हमें दो निकाल कर के बाकी 4 को पैक कर लेना है, ताकि बाई चांस कभी आपका डैमेज वगैरह कुछ होता है तो आप वापस से पॉपुलर को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, आपको नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 इसमें से ले लिया है ए सेट में से, 2 बी सेट में से ले लेते हैं। सिग्नल दिया हुआ है ए सेट और बी सेट लिखा हुआ है, इनको हम पैक कर देते हैं, साइड में रख देते हैं ताकि एक्स्ट्रा हमारे जो हैं कभी भी आगे काम आएंगे। लगाने का तरीका देख लेते हैं हम, इसमें ए कौन से में लगेगा, बी कौन से में लगेगा। लगाने का तरीका बहुत इजी है, ऊपर से पुश करके हमें लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है, जो कि हमारे इसमें सिग्नल दिया हुआ है। ए लगा लिया हमने। आप एक एक प्रोपुलर को खोलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आप ए सेट में काम कर रहे हैं या बी सेट में काम कर रहे हैं। इसको हम पुश करके लेफ्ट, अच्छे से लग गए। अब इनको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ड्रोन में आपको सुविधा मिलती है कि आप पॉपुलर को फोल्ड कर सकते हैं, बाद में इसको पैक अच्छे से कर सकते हैं। इसका बैटरी एक लिया हमने, बैटरी के सिग्नल देख लीजिए आप कहाँ से पावर मिलता है, उसको इस तरह से पुश करके लगाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये पुश करके लगा दिया हमने ड्रोन को, ड्रोन कम्प्लीट है हमारा।
इसको हम प्रेस करके देख लेते हैं कितना बैटरी हमारा चार्ज है। हमारा बैटरी अभी डिस्चार्ज है, इसको निकाल देते हैं हम। इसके बाद ये बैटरी देखते हैं हम, हमारा ये बैटरी भी डिस्चार्ज है। सारे बैटरी जो है इसके साथ में डिस्चार्ज आए हैं, तो इसको हमको चार्ज करना होगा, फिर हम ड्रोन को फ्लाई करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। तीनों बैटरी डिस्चार्ज है, बैटरी को चार्ज करने का तरीका बता देता हूँ मैं। वन अटैचमेंट, टू अटैचमेंट, थ्री अटैचमेंट। तो दोस्तों यह था हमारा DJI का Mavic Air 2 Flight 2 Combo। इसके साथ में जो हमें एसेसरीज मिली प्रॉपर हमें मिल गई है। इस तरह से आप आपकी एसेसरीज को चेक कर सकते हैं और बॉक्स के साथ में देख सकते हैं कि आपको कंपनी क्या क्या देती है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको तीन बैटरी के साथ में ड्रोन मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि दो बैटरी के साथ में मिलता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक बैटरी के साथ में मिलता है। इनके रेट में जरूर फर्क आ सकता है, लेकिन यह जो मुझे पड़ा है अभी 1,00,000 रुपये बराबर का पड़ा हुआ है। इसका रेट 2,000-5,000 रुपये ऊपर नीचे चलता रहता है, और यह कंट्री वाइज या आप कहें कि भैया स्टेट वाइज आपको यह कम ज़्यादा रेट लग सकता है, लेकिन फिलहाल लगभग लगभग 1,00,000 के समथिंग में आपको यह ड्रोन मिल जाएगा और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। इसका पार्ट टू में हम इसको अच्छे से चलाकर इसको उड़ाकर देखेंगे कि इसकी क्वालिटी किस तरह की आती है, उसमें हम समझ लेंगे कि इस ड्रोन से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, और यह छोटा ड्रोन है तो हमें इसमें किस तरह से इसकी क्वालिटी को निकाल सकते हैं, इसमें कितने तरह के फीचर्स मिल रहे हैं। क्योंकि ये अपडेट चीज़ है, पेंटम 4 से मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। पेंटम 4 में पहले यूज़ करता था, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इसके अंदर है, इसलिए मैंने इसको चेंज किया और इसको अपने काम में जो है अच्छे से यूज़ करने के लिए लिया। क्योंकि पेंटम 4 जो है थोड़ी ज़्यादा जगह में उड़ता है, यह थोड़ी कम जगह में भी उड़ जाता है। हाइट वाइज के मामले में अगर देखा जाए तो यह पेंटम 4 से ज़्यादा हाइट पर चला जाता है, लेकिन ये थोड़ा छोटा है तो इसको ध्यान रखने में हमें ज़्यादा डिफिकल्टी आ सकती है। जैसे कि यह छोटा है तो हमें या तो हमें हमारी आंखों के सामने रखना होगा, या फिर ज़्यादा दूर जा रहा है तो हमें इसका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा कि यह किस तरफ गया है। तो इस चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आप इस ड्रोन की अच्छी क्वालिटी निकाल सकते हैं, इसको अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं और इसके अच्छे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यह ड्रोन आपको एंड्रॉयड में भी सपोर्ट करता है और आईफोन में भी सपोर्ट करता है। आपको किसी भी तरह से इसकी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करना है तो आप इसके एप्लीकेशन के लिए पीछे बारकोड दिया है, यहाँ से स्कैनिंग कर आप इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हम सेकेंड पार्ट में जरूर बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्रोम पर, सिंपल सा मैं बता देता हूँ, आप क्रोम पर DJI Fly नाम से एप्स को सर्च करेंगे तो आपके सामने एप्स का लिंक आ जाएगा। वहाँ से आप 380 MB का लगभग इसका एप्स अभी आ रहा है, उसको डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद में आप जिस तरह से कोई भी एप्स को इंस्टॉल करते हैं उस तरह से इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद आसानी से आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मैं आपको मिलता रहूँगा नई नई फोटोग्राफी टिप्स और वीडियो टिप्स के साथ में, और ड्रोन के अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ में। तब तक के लिए गुड डे।